एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं सैविल डैम बोल के एक जगह में, जहाँ पे नेचर का ब्यूटी है बहुत अच्छा। तो चलिए हम सब मिलके वो जगह एंजॉय करते हैं। तो अभी से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है, आप लोग हमारे साथ रहिए। हम लोग ऑलरेडी सैविल डैम के बगल में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रास्ता है, बहुत सुंदर है ये रास्ता। और बगल में एक माउंटेन है, वो भी अच्छा लग रहा है दिखने में। आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा है। और 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, बट मुझे लगा कि ये रास्ता का जो व्यू है आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊं। The destination is on your left, Seville Dam. Arrived. Just यहाँ का जो नजारा है वो खाली देखते जाओ, इतना अच्छा लगेगा कि उठने का मन नहीं करता है यहाँ पे आने के बाद। अभी गाड़ी पार्क करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ का जो ब्यूटी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फर्स्ट गाड़ी पार्किंग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये जगह है गाड़ी पार्किंग का। अभी हम लोग आ गए हैं सैविल डैम में, आप लोग देख सकते हैं बाहर का ब्यूटी। तो यहाँ से हम लोग अभी वॉक करके जाएंगे उस तरफ जो डैम है। चलिए फिर जाते हैं और देखते हैं। So we already been this place, but we came here again so we remember this place. ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पानी है ये स्टोर होता है और यहाँ से ना पूरा सिटी को सप्लाई होता है। तो ये व्यूज भी बहुत अच्छा है, हम लोग नीचे तक जाएंगे और पूरा जो व्यू है वो एंजॉय करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। Thank you.
ज़्यादा डिमांड है, कपिल लोग और फैमिली जो भी है आते हैं तो फोटो खींचने के लिए बहुत फेमस है। चलिए फिर हम लोग भी खींचते हैं। बगल में चलिए यहाँ पे ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल है, ये जो काउंटी है ना, ये काउंटी का एक मैप है, कहाँ कौन सा जगह पे क्या है पूरा डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। डैम देखने के बाद हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, तो जाने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को ये जो मैजिकल व्यू है, ये जो हेवन व्यू है, ये आपको दिखाती हूँ। देखिए दूर दूर तक वो लेक है और उसके साथ माउंटेन भी है, और ऊपर से एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड हुआ है ना वो है कलर, इतना अच्छा कलर यहाँ पे आया है। ये जगह खाली देखते रह जाना। वहाँ पे रजत और मेरे बेटी दोनों एंजॉय कर रहा है ये व्यू। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना ज़रूर। ये देखिए डैम के बगल में जो ये माउंटेन है ना, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। इस बार फॉल कलर थोड़ा लेट आया है तो इसलिए ये माउंटेन का कलर थोड़ा कम लग रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा ही कलर हुआ है। तो हम लोग ये देख लिया, ये डैम भी देख लिया, फ़ोटो सेशन भी कर लिया करके अभी वापस हम लोग वो नीचे के तरफ जाएंगे, तो इस तरफ आ रहा है। तो जाते जाते आप लोगों को ये व्यू दोबारा दिखा रही हूँ ताकि ये व्यू जितना बार आप देखो लगेगा कि नया है और देखते ही रह जाओ, इतना अच्छा व्यू है। तो चलिए देखते देखते हम लोग नीचे के तरफ जाएंगे। इस तरफ देखिए रजत और मेरे बेटी वॉक करते हुए जा रहा है, तो मैं भी उन लोगों को फॉलो करती हूँ। चलिए जाती हूँ। रजत हमेशा क्या करते हैं ना, जब भी कहीं पे जाने घूमने के लिए निकलते हैं तो एक छोटा सा फ्लास्क में एक थोड़ा चाय लेके आते हैं ताकि वो यहाँ पे आके बैठ के ये जो नेचर का जो ब्यूटी है ये फील करते करते ये चाय पी सके। तो अभी चलिए वो चाय पीने का वक्त आ गया है, वो वहाँ पे बैठेगा और मैं चारों तरफ थोड़ा देखूँगी घूम घूम के। चलिए जाते हैं। ये जगह इतना अच्छा है और इतना मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो ये फॉल सीज़न जब भी आता है ना तब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए। तो आज भी वैसा ही, आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना तो बहुत गर्मी है, एकदम मतलब बाहर निकलने का एक अच्छा मौसम आज मिला, तो हम लोग भी आ गए। तो जाते जाते लास्ट टाइम ये वीडियो हम ले रहे हैं, मेरा मन नहीं भरता यहाँ का वीडियो जितना भी लूँ, तो ये नज़ारा में लेके फिर हम लोग जाएंगे एक चर्च देखने के लिए। वो चर्च का जो जगह है ना, आसपास का जो माहौल है बहुत सुंदर है। आते वक्त देखा, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं गई, आते वक्त देखा तो मन ही मन में ठान लिया कि जाने के टाइम पे वो विजिट करके जाएंगे। यहाँ पे देखिए
प्राजना को कभी लगता है ठंडा, कभी लगता है गर्मी, हमेशा अपने पापा के साथ कुछ ना कुछ करते जाते हैं ये। बुरो से हाय। बुरो, व्हाई आर यू सैड? से हाय। बिकॉज़ हॉट क्लोथेस मेकिंग ओके सुपर स्वेटी। अच्छा नाउ वी आर। अच्छा एक तो स्माइल कर दो सबाई के। चाचा भाई बाय। सबको एक स्माइल दे दो। गुड। सेविलडम और चर्च दिखने के बाद हम लोग अभी घर लौट रहे, तो ये वाला ब्लॉग आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, यही दुआ है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा जो फेसबुक पेज है वो फॉलो कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए यही तक, फिर से मुलाकात होगा एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।